नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों को क्लासी मार्केट में। तो चलिए देखते हैं कल यानी कि ट्यूसडे के दिन हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या लेवल रहना चाहिए एंड क्या ट्रेडिंग प्लान रहना चाहिए। दोस्तों बहुत कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। कल के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, ऑप्शन चेन का एनालिसिस करने वाले हैं दोस्तों कि कल पुट राइटर या फिर कॉल राइटर के हिसाब से मार्केट कहां जा सकता है। निफ्टी का और बैंक निफ्टी का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हम देखने वाले हैं ऑप्शन चेन के हिसाब से। तो वीडियो को आप पूरा देखना, प्रॉमिस करता हूं बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और यार आज के लेवल के लिए पहला दिन था हफ्ते का 300 से 400 पॉइंट का मोमेंटम दिया, तो यार आज के लेवल के लिए लाइक तो बनता है दोस्तों। अगर आपने अभी तक मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल क्लासी मार्केट ज्वाइन नहीं किए हैं, बहुत कुछ आप लोग मिस कर रहे हैं दोस्तों। डिस्क्रिप्शन लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों जो लेवल दिया हूं स्टूडेंट लोग, आप देख सकते हैं 1 लाख तक भी प्रॉफिट कमाया। आप देख सकते हैं 1 लाख प्रॉफिट, 9,000 प्रॉफिट, अगेन आप देख सकते हैं लाइक 10,000 प्रॉफिट, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट निकला। आप देख सकते हैं, आप बोलोगे कैसे, आप क्लियर कट देख सकते हैं रीजन लॉजिक के साथ दोस्तों। जो लेवल देता हूं दोस्तों आप क्लियर कट देख सकते हैं 37,650 लेवल ब्रेक एंड सस्टेन देन बाय, क्लियर कट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन था, रीजन बताया था, उसके बाद मुझे बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों। जैसे ही मेरे लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया, क्लियर कट मोमेंटम दिया 400 पॉइंट का, तो यार मेरा भी तो हक बनता है ना यार कि आप लोग लाइक करो वीडियो को, शेयर करो यार, कमेंट करो आज का लेवल कैसा लगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कल के दिन हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या लेवल एंड क्या ट्रेडिंग प्लान रहना चाहिए। दोस्तों वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और जल्दी से जाइए फ्री वाले टेलीग्राम चैनल क्लासी मार्केट पे आप ज्वाइन हो जाइए। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, निफ्टी में हम कल बाय कब करेंगे, देखिए बहुत आसान है, ठीक है, आप इसको ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। अपसाइड लेवल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ऑप्शन चेन का एनालिसिस भी करेंगे, हमें क्लू मिल जाएगा कल कहां जाने वाला है मार्केट। कल के दिन अगर दोस्तों निफ्टी अगर फ्लैट या फिर थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग हुआ दोस्तों, अगर समझ लीजिए यहां पे ओपनिंग हुआ, तो 17,350 लेवल को जब तक निफ्टी ब्रेक नहीं करता आप लोग बाय मत करो दोस्तों, मैं पहले से बता रहा हूं। इसका रीजन क्या है, देखिए बहुत ही सिंपल सा रीजन है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने आज क्या किया है कि दो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है। अब दो कैसे, आप क्लियर कट देख सकते हैं, पहला ट्रेंड लाइन देख सकते हैं दोस्तों, निफ्टी क्या कर रहा है, इसी ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करके बार बार इसी ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ले रहे हैं, आप क्लियर कट देख सकते हैं, राइट। यहां से रिजेक्शन लिया निफ्टी नीचे चला आया, उसके बाद आप देख सकते हैं इसी जोन से रिजेक्शन लिया निफ्टी नीचे चला आया, तो पहला ट्रेंड लाइन तो बन गया भाई, ये एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है। अब इसी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के अंदर और एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, राइट, और वो क्या है आप क्लियर कट देख सकते हैं। ये जो छोटा सा रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करके रखा हूं दोस्तों, आप क्लियर कट देख सकते हैं, एक बार प्राइस टच किया नीचे आया, दो बार प्राइस टच किया फिर नीचे आया, यहां पे आप देख सकते हैं तीन बार प्राइस टच किया नीचे आया, चार बार प्राइस टच किया नीचे आया, तो क्लियर कट देख सकते हैं दो दो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, एक बड़ा रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन और एक छोटा रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, राइट। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, कल के दिन इसको आप ध्यान से सुनना, कल के दिन अगर फ्लैट या फिर गैप अप ओपनिंग हुआ दोस्तों, ये दोनों रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को निफ्टी वॉल्यूम के साथ तोड़ना चाहिए। रिटेस्ट जैसे ही करेगा हमारा लेवल बैठेगा 17,350, इसके ऊपर निकलते ही आप बाय करना दोस्तों, नहीं तो उससे पहले बाय बिल्कुल मत करना। अब क्लियर कट देख सकते हैं दो दो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, बाइंग का आपका समझ में आ गया, ऑप्शन चेन के हिसाब से देखेंगे, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा। सेल कब कर सकते हैं, देखिए बहुत ही सिंपल है दोस्तों, कल के दिन निफ्टी अगर फ्लैट या फिर थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग हुआ, 17,183 लेवल के नीचे अगर निफ्टी निकलता है तो ही आप सेल करेंगे दोस्तों, टारगेट 17,078 समथिंग रहेगा, 17,183 के नीचे अगर निकलता है, बहुत ही सिंपल सा रीजन है, आज का दिन का लो है जो कि कल के लिए हमारे लिए सपोर्ट की जैसा काम करेगा दोस्तों, इसके नीचे आते हैं तो आप आराम से सेल कर सकते हैं। अच्छा खासा एग्रेसिव सेलिंग आपको कब देखने को मिलेगा, देखिए दोस्तों 17,078 इसके नीचे जैसे ही निफ्टी सस्टेन करने लग गया दोस्तों, सीधे टारगेट आपको 17,000 देखने को मिलेगा, 80-90 पॉइंट क्लियर कट फॉल हो सकता है। क्यों मैं बता रहा हूं, बहुत ही सिंपल सा रीजन है, 17,078 आप देख सकते हैं निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग हुआ, नीचे आया और यहां से ही घूम गया, राइट। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, ये पॉइंट कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर 17,078 के नीचे आता है तो आप सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आ चुके हैं हम निफ्टी के ऑप्शन चेन पे, अगर आप निफ्टी का ऑप्शन चेन देखोगे दोस्तों, तो ये है हमारा कॉल राइटर और ये हमारा पुट राइटर। कॉल राइटर जो है हमारा हमेशा रेजिस्टेंस क्रिएट करता है और पुट राइटर जो है हमारा हमेशा सपोर्ट क्रिएट करता है। अगर आप निफ्टी को देखोगे दोस्तों तो क्लोजिंग दिया है 17,205 पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान से इसको सुनिए, 17,200 के आसपास क्लोजिंग दिया, राइट। अगर आप देखोगे दोस्तों 17,200 पे बड़ा ही अजीब सा चीज देखने को मिलेगा, कॉल राइटर अगर आप देखोगे 10 लाख प्लस कॉल राइटर भर भर के हैं 17,200 पे, बट अगर आप पुट राइटर को देखोगे तो 12 लाख प्लस पुट राइटर हैं दोस्तों निफ्टी में 17,200 लेवल पे। तो सिंपल सी बात है, पुट राइटर कल के दिन चाहेंगे कि निफ्टी जो है 17,200 से ऊपर ही रहे बोल के, और कॉल राइटर चाहेंगे दोस्तों 17,200 से नीचे ही रहे बोल के। तो बहुत ही सिंपल भी हमारा प्लान हो गया, बट अगर कॉल राइटर को देखो तो थोड़ा पावरफुल लग रहे हैं, लेकिन पुट राइटर भी पावरफुल है, तो दोनों के तरफ आप सेम बोल सकते हैं। 17,300 पे देखिए दोस्तों, यहां पे भी 10 लाख प्लस कॉल राइटर, इसके नीचे
आप देखेंगे 17,100 पे आप देख सकते हैं 13 लाख प्लस फूड राइटर, तो दोनों बराबर की आप लड़ाई बोल सकते हो दोस्तों। तो बहुत ही सिंपल सी जोन है, लाइक बहुत ही सिंपल सा रीजन है, कल के दिन हमें प्राइस एक्शन पे फोकस करना है। इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, ऊपर की तरफ 17,300, नीचे की तरफ अभी मैंने आपको बताया ऑप्शन चेन के हिसाब से 17,100, इसके नीचे अगर निकलता है 17,100 के नीचे तो बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है, और 17,300 को तोड़ दिया तो बड़ा अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। आपको होप सो दोस्तों आपको सब कुछ क्लियरली हो गया ऑप्शन चेन के हिसाब से। तो चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या कर सकते हैं। देखिए यहां पे भी बहुत सिंपल सा व्यू हम रखते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी जो है ना, आप सच बताऊं एक रेंज के अंदर ही घूम रहा है बहुत दिन हो गया, तो इसको आप ध्यान से सुनिए कल के दिन करना क्या है। कल के दिन अगर गैप अप या फिर फ्लैट ओपनिंग हुआ 37,592 के नीचे अगर निकलना चालू कर देता है, 500 के नीचे सस्टेन करने लग जाता है, अगेन आपको 200-300 पॉइंट का फॉल देखने को मिलेगा। और गलती से अगर 37,169 अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है दोस्तों, ह्यूज फॉल आपको देखने को मिल सकता है। इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। देखिए 37,592 जो लेवल है एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है, राइट, आज का दिन का क्लोजिंग भी है, आज का दिन का लो भी है, इसके नीचे निकलते हैं तो डेफिनेटली आपको सेल करना है। 37,500 एक सपोर्ट जोन भी है ऑप्शन चेन के हिसाब से, अभी मैं आपको दिखाता हूं, राइट। और बाय कब करना है, सेलिंग का आपको समझ में आ गया। और 37,169 लेवल मैंने क्यों दिया, देखिए ये भी एक सपोर्ट जोन है दोस्तों, अगर ये टूटा तो आप समझ लीजिए कि क्लियर कट फॉल आपको देखने को मिलेगा 800-900 पॉइंट का, क्योंकि आप देख सकते हैं अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस था 37,169, फिर आप देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस टूटा, यहां पे सपोर्ट बना, मार्केट ऊपर चला गया। फिर आप देख सकते हैं आज के दिन, क्या आप देखिए आज का दिन का मेन जो लो था वो ये था 37,169, अगर इसको एक बार टूटा तो आप समझ लेना अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा। डाउनसाइड का दोनों लेवल आपको पता चल गया, अपसाइड में बाय कब करेंगे, कल के दिन अगर फ्लैट या फिर गैप अप ओपनिंग हुआ 38,073 इसके इस लेवल के ऊपर, जब तक बैंक निफ्टी नहीं जाता दोस्तों तब तक आप गलती से भी बाय मत कीजिए। 38,000 एक तो राउंड लेवल है, 38,073 का आप क्लियर कट लेवल देख सकते हैं, यहां पे क्लियर कट रेजिस्टेंस है। आप देख सकते हैं यहां से प्राइस डाउनफॉल लिया, फिर मार्केट ऊपर गया, डॉट इसी लेवल को टच करके आज फिर से प्राइस नीचे आ गया, और आज के दिन यहां पे छोटा सा एक डबल टॉप भी बनाया है। तो क्लियर कट आपको दिखाई देना है कि हां भाई ये जो 38,007 लेवल है ये रेजिस्टेंस जोन है, प्राइस दो बार ऑलरेडी यहां से गिर चुका है, तो आप क्लियर कट समझिए दोस्तों। अगर कल के दिन समझ लीजिए या फिर नेक्स्ट डे भी जैसे इस लेवल के ऊपर जाता है तो आपको बाय करना है, नहीं तो बिल्कुल भी बाय नहीं करना है। तो सेलिंग का आपको बता दिया, बाइंग का आपको बता दिया। चलिए देख लेते हैं दोस्तों ऑप्शन चेन के हिसाब से क्या दिखाई दे रहे हैं। अब आ चुके हैं हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे, ये है हमारा कॉल राइटर जो कि हमेशा रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, और ये है हमारा पुट राइटर जो कि सपोर्ट क्रिएट करते हैं। 37,500 आपको मैं लेवल बताता हूं, देखिए क्लोजिंग कहां पे दिया है 37,702 पे, राइट। 37,700 अगर आप ऊपर देखोगे यहां पे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग आपको चीज देखने को मिलेगा, 700 के आसपास लाइक क्लोजिंग दिया है। आप क्लियर कट देख सकते हो दोस्तों यहां पे कॉल राइटर 38,000 तक, दम नहीं है क्या आपको, क्लियरली दिख रहा है दम ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 37,800 पे पुट राइटर 1 लाख बैठे हैं, 37,000 लाइक आप 900 देख सकते हैं पुट राइटर 2 लाख, 38,000 पे सिर्फ और सिर्फ 3 लाख कॉल राइटर बैठे हैं। तो आप क्लियर कट देख सकते हैं रेजिस्टेंस इतना स्ट्रांग नहीं है, कॉल राइटर इतना स्ट्रांग नहीं दिख रहे, बट दोस्तों आप सपोर्ट देखिए 37,500 जो कि मैं आपको अभी लेवल बता रहा था, 7 लाख प्लस पुट राइटर बैठे हैं, तो सिंपल सी बात है पुट राइटर चाह रहे हैं कि कल के दिन 37,500 के मार्केट ऊपर ही रहे बोल के, कॉल राइटर आप देख सकते हैं इतना दम नहीं है। तो बहुत ही सिंपल सा लाइक हमें क्लू मिल गया दोस्तों, अगर 38,000 जो कि 3 लाख प्लस हमारा कॉल राइटर बैठे हैं इसके ऊपर निकलता है तो बाय करना है। पुट राइटर का मैं आपको अभी बता रहा था 37,500 का लेवल बता रहा था, 7 लाख प्लस पुट राइटर है, इसके नीचे जाता है तो जो पुट राइट करके गए उनको बहुत नुकसान होगा, और वो स्क्वायर अप करना चालू करेंगे तो मार्केट अच्छा खासा फॉल कर सकता है। तो बहुत ही सिंपल रीजन दोस्तों, होप सो आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस पसंद आया होगा, कल के लिए क्या प्लान है वो भी समझ में आया होगा। एंड दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे फ्री वाले टेलीग्राम चैनल क्लासी मार्केट ज्वाइन नहीं किए हैं जल्दी से जाइए ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दो यार, एंड दोस्तों अपने मम्मी पापा को बहुत 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 सारे प्यार दीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कल के दिन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू।